मसूख खान यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं संगीत इंतकाम की ज्वाला उर्फ डाकू बनी गोरी Yeah!
क्यों नहीं माँ? जब तलक आपका आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तलक मैं कहीं के लिए कुछ जुगाड़ खाने का करने नहीं जाता हूँ। लेकिन माँ आज 3 दिन हो गए हैं हमारे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया है। अगर घर में रुखी सुखी रखी हो तो चल करके थोड़ा खाना खिला दे माँ। भैया आज 3 दिन तक कुछ चूल्हा तक नहीं जला है। 3 दिन से 3 दिन से चूल्हा जला नहीं है। लेकिन माँ अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो कहाँ से चलूंगा माँ? माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भूख जोरों से हमारे लगी चलती रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए। सही नहीं जा रही है। अगर अगर कहीं पर आधी रोखी सूखी रोटी रखी हो चल करके मुझे खिला दे माँ। आज चुटकी आटा नहीं है। चुटकी भर आटा नहीं है। लेकिन माँ गरीब इंसान का होता ही कौन है? अरे गरीब इंसान का भगवान भी नहीं होता है तो हम ये भाई क्या होंगे? चलो अपने गांव जसवंत नगर में थोड़े बहुत भीख मांग करके अगर किसी ने खाना दे दिया तो हम दोनों आधी रोटी में गुजारा कर लेंगे माँ। यहाँ से चल करके जसवंत नगर में भीख मांग के खाना खाएंगे। चलो पूता ओ कर दो मदद गरीब की में। ये
तो बहुत सारे पैसे हो गए। हमारे गरीब भाइयों की एक गरीब भी सुनता है, माँ इन पैसों को ले जाकर के थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी सब्जी लाऊंगा बाजार से। आज की रात हम दोनों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा माँ। हाँ, हमारा नसीब ही भगवान ने ऐसा लिखा है, जो आज इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है माँ। अरे अपना 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 नसीब हो।
डैडी में भगवान से दुआ करता हूँ कि हमारे डैडी का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। बेटा अर्जुन सिंह जी ने मैं भी रात दिन उस परम पिता परमेश्वर से तेरी जिंदगी के लिए दुआएं है तो क्या करता हूँ। और सदा फूलो फलो बेटा, और सदा फूलो फलो बेटा, यही भोपाल के लिए जाना है। इसके मतलब तुम पुलिस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर लगा कहाँ है? अरे भोपाल में डैडी। भोपाल में लगा है जी डैडी, लेकिन पहुंचना कब है तुम्हें? आज ही मुझे 3 वाली गाड़ी, क्योंकि कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो बचने वाले हैं, अगर सही टाइम से तुम वहां नहीं पहुंचे, अगर कहीं बात बस तुम्हारा इंटरव्यू छूट गया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन जाने से पहले बेटा हमारी एक बात सुन, तुम हमारे बेटे नहीं बल्कि तुम हमारे कलेजे के टुकड़े हो बेटा। जाने से पहले हमारे बाप ध्यान से सुन बेटा, तो जाओ बेटा पकड़ जाने रखा बेटा, इसीलिए डैडी मैं तुम्हें मम्मी और पापा मानता हूँ।
मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखता। जब मैं 5 वर्ष का था तो हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। जब से मैंने होश संभाला है तुम्हीं को पास पाया है। देखी माता भी तू पिता भी तू बेटे का अभिमान है तू। तेरे सिवा मेरा कौन है पापा। तेरे सिवा मेरा कौन है पापा। बेटे का भगवान फौजी दादा आदमी जब जाता है प्रदेश के लिए या ड्यूटी के लिए तो पीछे आंसू नहीं बहाना चाहिए। नहीं तुम्हें रामू नहीं मालूम है ये आंसू कोई क्रोध के नहीं बल्कि ये प्यार के आंसू है। मैं सोचता हूँ अगर हमारा बेटा इंटरव्यू में पास हो गया हाँ। तो कहीं ऊंचे वर्दी प्राप्त हो गई हाँ। तो पुलिस और देश की सेवा भी कर सकता है। पुलिस भैया बन जाएगा क्यों नहीं। अरे पुलिस बन जाए तो फिर गुंडा ही खुली कह करीबा की दरी, तेरी काया
रक्षण की झोपड़ी। हाँ, और झोपड़ी पे एक लीचर बंधा हुआ है। हाँ, और गैया बंधी हुई है। हाँ, गैया बंधी है और कल करिया पड़ावा बांधा। मतलब होता है बछड़ा। हाँ हाँ, बछड़ा बछड़ा काला काला है। हाँ, तो उसे पड़ावा बता रहे। हाँ, नहीं, 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 नहीं। बोले हमें देख करके झोपड़ी में ये लग रहा है कि झोपड़ी बंद होने के कारण इस झोपड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं है। क्या घर हो सकता है कि गैया और बछड़े के चारा लेने गए हो खेतों की तरफ। ये तो चलो पढ़ाओ मैडम, अब चलते हैं खेतों में मुलाकात करते हैं। क्या चलोगे? आई कैले यारी गोरिया यारी गोरिया बहाने वाली।